लिखो इन्वर्जन एंड रिटेंशन। कितना नंबर पॉइंट है ये वाला? उसके आगे लिखना सेवन नंबर पॉइंट है ना, इन्वर्जन रिटेंशन बता दिए थे ना। स्वाति ध्यान दो, सात नंबर पॉइंट में क्या बताया था? इन्वर्जन एंड है ना एंड रिटेंशन, यही बताया था ना। होता क्या सुबह मेरा सुनो ध्यान दो, ये कोई कंपाउंड है मान लो ऑप्टिकली एक्टिव है, मान लो सी एच थ्री है, सी टू एच फाइव है, मान लो इधर मान लो ओ एच है, इधर मान लो एक्स है, ठीक। अब सुनो क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? आगे बैठो बैठो ध्यान दो, बैठे कर लो, कुछ रिएक्शन हो रहा है ठीक है ना। y मान लो इसको y माइनस न्यूक्लियोफिलिक, कैसा रिएक्शन हो रहा है? क्यों न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को बता सकता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा, कौन अटैक कर रहा? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यानी माइनस। आई पूरा डिटेल में बताएंगे क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, कैसे होता है, क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, ठीक है। ये इसको अटैक करके इसको भगा दे रहा, इसको क्या कर रहा है, इसको भगा दे रहा। दो केस बन सकता है इसका, सुन ध्यान दो, इसका दो केस बन सकता है। एक केस में क्या हो, चुपचाप वही जगह पर जाके अटैच हो जाए, यहां पर चुपचाप वहीं पर जाकर के अटैच हो जाए, ध्यान देना। एक तरीका क्या है, इसको भगा दे और इसको बोले तेजा वहां पर, यहां पर रखना, मतलब क्या करें, ओएच को इसको भगा दे, ओएच को जगह चेंज कर दे, उल्टा कर दे और यहां वाई चला जाए। सुनो क्या होगा, पहला केस में क्या था, जहां से हटाया वहीं पर गया, दूसरा केस में वहां उसको हटा ही दिया, एक्स को क्या किया, हटा ही दिया, मतलब निकलो है कि नहीं, माइनस माइनस मतलब निकल रहा, ठीक है ना, ठीक है। पहला केस में इसको हटा के उसके जगह बचा दिया, दूसरा केस में इसको उल्टा कर दिया, तो सुनो जो उल्टा कर दिया इसको बोलते हैं इन्वर्जन, क्या बोलते हैं? और जो सीधा केस हो क्या बोलते हैं? रिटेंशन। क्या बोलते हैं? हैंडल ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, आई नॉट फॉर इसको, आठ नंबर है क्या? हाँ आठ नंबर, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब जो सुपर इम्पोजिबल नहीं है, जैसे ये ऐसे जाकर के मिरर का जो इमेज बना है उसमें जाकर के ऐसे चिपक जाएंगे तो मिल जाएंगे, बाय बाय, समझे बात, ठीक है ना, थोपड़ नहीं मिल रहा है ना, सर्कल नहीं मिल रहा, हाथ की डायरेक्शन सेम है, अब हम ऐसे खड़ा है, इधर वाला इधर मिल जाएगा, उधर वाला इधर मिल जाएगा, मतलब नहीं मिलेगा, हम ऐसे बन जाएंगे इससे, समझे बात, अलग अलग से बन जाएंगे, इसीलिए। तो जो सेकंड वाला जो बन स्ट्रक्चर हम खुद बने थे वो था ऑप्टिकली एक्टिव, पहला वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो द ऑब्जेक्ट विच आर, सर एक मिनट लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ, हम लिखते जाओ, द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच आर सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, द ऑब्जेक्ट विच आर सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज आर नॉन एज, आर नॉन एज क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। एग्जाम्पल दिखा दे, पी वाला एग्जाम्पल दिखा दे, जैसे देखो गोपाल ध्यान दो, ये मान लो कुछ पी है ना, अब इसके सामने मिरर रख दिए, एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहा था ना, उल्टा लिखा रहा था ना एम्बुलेंस में, अरे सुनो ना, तो फिर मिरर में देखो सीधा दिखाता है, पी है, पी ऐसा दिखेगा है कि नहीं, ये इसका मिरर इमेज है, ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, इसको एना सामने रखेंगे ऐसा दिखेगा, इसको एना सामने रखेंगे ऐसा दिखेगा है कि नहीं। अब सुनो इसके डंटी को ध्यान से देखो, डंटी ये डंटी और ये डंटी, ये दोनों को मिला दो डंटी के ऊपर, डंटी डंटी मिला दो, डंटी डंटी के
ये डंडी के ऊपर डंडी को दूसरा रख दो, एक तो ऐसे बनेगा एक तो ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं? मतलब दोनों ढक नहीं रहा, ढक रहा सुपर इम्पोज करना नहीं, सुपर इम्पोजिबल नहीं है, सुपर इम्पोजिबल नहीं है, मतलब नॉट सुपर इम्पोजिबल क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर सुपर इम्पोजिबल था तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या है ऑप्टिकली, बात समझ में आ रहा ठीक याद रहेगा? जैसे हमसे पूछते हैं ए ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, नहीं ऑप्टिकली एक्टिव, क्यों? हाँ क्यों, बीस से काटा देखो है कि ऐसे ही बनेगा, बनेगा कि नहीं, ऐसे बनेगा ना, मैंने कसम रखते हैं तो बी ऐसे रख देंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसको मिरर जरूरी मिरर यहीं रखना, मिरर यहां भी तो रख सकते हैं, समझ में आया? मिरर यहां भी तो रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मिरर यहीं खाली रखना, एक भी तरफ से मिरर सेम ना हो, एक भी तरफ से, समझे आप? उल्टे रखो, केला रखो, तिरछा रखो, काना रखो, लूढ़ा रखो, जो भी रखना है ठीक है, ठीक है, नोट करो, नोट डाउन। केमिस्ट्री का डे तो नहीं है, केमिस्ट्री का डे नहीं, नहीं अभी क्लास बंद है, इसमें इलेवन का क्लास था, इलेवन को छुट्टी दी है, इसलिए मैं कॉपी नहीं लाई। अरे कोई बात नहीं, लिखो ना पेज में, सर हम ना पेज स्टेपलर मार देना, रिवीजन की दिखाई जाते हैं, समझ में हम पूछेंगे याद हो जाए, हम पूछेंगे बता तेरे से, याद कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक ठीक, एक दिन हमको पांच ही फॉर्मूला सुनाओ, ज्यादा नहीं, पांच पांच करके बूंद बूंद से घट भरे, ये तो नाइन में याद करना था, हो गया बेटा, बेटा एक क्वेश्चन दे, अच्छा नोट को, नोट को बाद में बताएंगे, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात था, कायरिलेटिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव का बात था, अच्छा काइरल कार्बन और काइरल मॉलिक्यूल क्या सेम चीज है, मेरा क्वेश्चन, काइरल कार्बन एंड काइरल मॉलिक्यूल आर द सेम थिंग, अब बोल देगा नहीं सर आप मॉलिक्यूल बोल रहे, आप कार्बन बोल रहे अलग चीज, एक तो मैं आप सी ए आर बी ओ एन आर आई एम एल क्यू सी ओ बी आर अलग हो गया स्पेलिंग का मिस्टेक है ना, देखो एक काइरल कार्बन यानी कार्बन के ऊपर चार डिफरेंट बोलो हाँ ना है कि नहीं ग्रुप है कि नहीं, काइरल मॉलिक्यूल क्या हुआ, चलो देखते हैं आंसर देने में भी डर लगता है, सही को भी गलत बोल दीजिए फिर गलत को सही बोल, तो कहो अरे गलत करने से ही सीख मिलेगा, डरने का कहा नहीं, कोई पीट रहा है क्या, पीट रहा है कोई, लिखो आइडेंटिफाई काइरल, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई काइरल कार्बन और काइरल मॉलिक्यूल्स, ठीक बात, काइरल मॉलिक्यूल्स एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी, और ये भी बताना है कि ऑप्टिकल एक्टिव है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी बताना है, ठीक है ना, तो ऐड कर लो क्वेश्चन को, डायग्राम बनाना स्टार्ट करें, हां स्टार्ट करना, बनी बहुत
तुमको इसमें नया कैसा हुआ था? इसको 20 से समझ में आया नहीं करता। थैंक यू सर, आज हम बहुत खुश कर दिए, हम सो गए वापस। ये सही था। मम्मी फिर भी हम जब पूछ रहे, तुम झूठ बोल रहे, तुम सोने के लिए बोल रहे, हम जाकर सर से पूछेंगे। कौन बोल रहा था? हम बोल रहे हैं कि हम पहले भी बोले नहीं थे। ये बात पता था, सही बोल देते। नहीं सर, ऐसे मत कीजिएगा। ये कॉल थी तो हम बोल दिए नहीं, वो उसका अलग क्लास चलता है इसलिए उसको याद नहीं था। हमने आपको फोन कर दी कि ट्यूशन है हम तो बोले समय क्लास ही नहीं गया, हम ऐसे बोल दिए। सोने के टाइम में सर हमको कुछ नहीं दिखता, इम्पोर्टेंट नहीं खुशी काम हमको नहीं दिखता। सोने के टाइम में कुछ नहीं दिखता, दिखे किसान बंद रहेगा तो। अरे बोले मतलब कैसे अरे बाप रे कौन रोता है?
अभी भी रोते हैं सर। और अभी तक ज्यादा रोते हैं कल या परसों ही रोते किसके पास पढ़ने के लिए ना आईआईटी जी रहेंगे कठोर आदमी बनने पड़ेगा कठोर जिसके पास दिल नहीं है पत्थर हो मतलब जिसका पास दिल है कर सकता है लेकिन मतलब असली का दिल होना चाहिए तो जिंदे में रहेगा ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा इसको देखो ध्यान से ब्लैक सर्कुलेशन फोन रखिए इतना बड़ा रिंगटोन रखिए नोकिया मजाक नहीं कर रहे पता है अभी तक मुझे पता है हम यही गलत है मेरी किस्मत नोकिया फोन हम यही सोच रहे थे नहीं हमने अपने तरह से सोचा तुम सिंपल फोन लेके आएंगे चलो ठीक है पहली बार देखे तुम्हारा तुम शॉर्ट टर्म वाला याद रखना ठीक है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला ठीक है मैम चलो ठीक ये देखो ध्यान से इसको पहचान रही है कौन है ऐसे ही दिखता है मतलब दुर्भाग्य से बोल सकते गरीब आदमी वजह से मॉलिक्यूल्स नहीं है ठीक है ना लेकिन इसे समझाता अगला बार हो सकता है आ जाए तो सब 3D दिखाएंगे कैसे घूमता है कैसे निकालते हैं फिलहाल के लिए इसे एडजस्ट कराते हैं मान लो ये मॉलिक्यूल्स दुर्भाग्य से क्या इत्तेफाक से चारों डिफरेंट कलर का है चारों डिफरेंट कलर का एक तो कार्बन मान लो डिफरेंट कोडिंग करने जाएगा भी हैकिंग करेगा ये देखो ये, ये इसको देखो एक प्लेन हो गया एक अपने का सामान अच्छा पांच हाथ होता कितना मतलब ऐसे मतलब एक प्लेन है ना एक प्लेन में दो कार्बन एक प्लेन में दो कार्बन और दो कार्बन एक प्लेन का बाहर एक प्लेन का तो ये जो बन रहा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा जैसे मिथेन बनाते हैं याद आ रहा कुछ अरे हाँ या ना अरे ये बनाएंगे ये दोनों जो है ना प्लेन में ये दोनों किसमें है प्लेन पे किसमें है ये दोनों जो है प्लेन पे ये हरा वाला काला वाला क्या है प्लेन पे और जो लाल वाला जो है ना वो क्या है प्लेन का बाहर उठा हुआ ठीक है और जो ब्लू ये जो ब्लू वाला है प्लेन का अंदर क्या है अंदर बोर्ड पे दिखाते हैं जैसे मान लो ये दोनों क्या है प्लेन पे ए भाई साहब रुको ये प्लेन पे या बहुत ज्यादा ये प्लेन का बाहर है ये जो प्लेन के अंदर घुसा ठीक है अंदर घुसा होता क्या समझो ऐसा कुछ है ऐसा कुछ सुनो असली चीज समझो जो असली चीज समझाना चाह रहे तो लोग समझ जाएगा दो मिनट में क्या समझाना चाह रहे चंदा भी दीवाना अब इसको हल्का सा घुमाए इधर घुमाए इधर घुमाए कहीं से तरह घुमाए ना एंगल क्या बनेगा सेम क्या बनेगा हल्का सा 180 डिग्री घुमाए तो जो स्ट्रक्चर अंदर था वो क्या हो जाएगा बाहर जो बाहर था वो क्या हो जाएगा कितना घुमाएंगे 180 कितना घुमाएंगे 180 डिग्री रोटेट कर दोस्तों क्या जाएगा अंदर वाला बाहर बाहर वाला
तो जो बेज में था वो क्या किसमें चल जाएगा? डेस्क में। और जो डेस्क में था उसमें किसे जाएगा? बेज में। समझ रहा? ये चीज बढ़िया से सिखाएंगे ज्योमेट्री का लेसन रीजन में, इतना झलक नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है, सुनो सुनो उससे हो क्या रहा, असली चीज समझते हैं। अभी मेरा बुजुर्ग से सीना मेरा आगे दिख रहा, फ्रंट फेस दिख रहा, ठीक है, हल्का सा घूम गया, मेरा पीठ दिखने लगेगा, बोला है ना। अभी मान लो तार मेरा, मान लो जो मॉलिक्यूल से कर कुछ जो बाहर है, प्लेन, ये पर प्लेन है, ये पर प्लेन है, इधर मान लो कुछ लगा हम ये प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट करते हैं चश्मा से डबल वाला पीछे देखते हैं, दो आंख आगे दो आंख पीछे, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। ये मान लो एक मॉलिक्यूल्स है, हम पूरा प्लेन है, एक मॉलिक्यूल्स बाहर एक मॉलिक्यूल्स पीछे। अभी शीशा में कौन सा मॉलिक्यूल्स दिख रहा है? शीशा में कौन सा मॉलिक्यूल्स दिख रहा है? आगे वाला और प्लेन वाला। अरे बोलो हाँ या ना। अब जैसे घूम गए तो ये वाला गायब और पीछे वाला मॉलिक्यूल्स दिख रहा कि नहीं? अब प्लेन वाला दिख ही रहा। मतलब क्या समझ में आ रहा? ऑप्टिकली चेंज हो रहा, बोलो हाँ या ना। मिरर इमेज अलग बन रहा, बोलो हाँ या ना। मतलब बाहर और अंदर वाला कार्बन पे बॉन्ड पे सेम भी आइटम रहा तो कायरल नहीं रहेगा, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। पकड़ा? पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? ओह माय गॉड, वंस मोर। चारों कार्बन, सुनो, एक कार्बन में चार बॉन्ड, एक कार्बन में चार बॉन्ड, चारों बॉन्ड पे अगर अलग अलग कार्बन है, अलग अलग सॉरी ग्रुप है, तो वो कायरल है, तो वो कायरल कंफर्म है कि नहीं? और जो कायरल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, कंफर्म बोलवाए ना। एक कार्बन पे चार अलग ग्रुप, तो चार, तो वो कार्बन क्या हो गया? और वो जो कायरल हो गया वो क्या हो गया ऑप्टिकली? कुछ ऐसा भी कार्बन है जो कायरल ना होकर के भी एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव। कौन बोले तो कौन? जैसे जिसका दो बॉन्ड हो आगे पीछे वाला बॉन्ड पे, क्या हो? सेम ग्रुप हो, क्या हो? अगर चारों में से दो दो सेम हो गया मतलब वो कायरल नहीं है, लेकिन जब घुमा रहे उसको ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि मिरर इमेज चेंज हो रहा, मिरर इमेज आगे में दिख रहा तार तो पीछे में दिख रहा चश्मा दबंग वाला, ठीक है ना? समझ में? ठीक है, चलो वैसे ऐसे कर करके वायरल कर देगा मेरे मालूम है। फिर अगले दिन ऑटोग्राफ मांगने आएगा, हम मना कर देंगे, रूल जाएगा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। सेम ग्रुप का रहा है एलिमेंट, अगर अलग रहा तो वो कायरल होगा? सेम ग्रुप का रहा एलिमेंट अलग, मतलब होता है एलिमेंट अलग, मतलब पहला में देखो कायरल है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सेकंड वाला कायरल है और का कायरल तो नहीं दिख रहा, अच्छा सही में झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बताओ क्या हो? देखिए आपको बाय करना पड़ेगा, फंसा दी मैं, तेरे आगे चुगली कर दी है तेरी का। ये कायरल है लेकिन ये कायरल है नहीं। क्यों? क्योंकि दो दो सेम ग्रुप लग गया, बोला है ना, कहीं भी लगे तो कायरल नहीं है। अब मेरा सवाल सुनो, इट इज नॉट कायरल, ये कायरल है, इट इज कायरल, इट इज कायरल, समझ में आ रहा था? ये कायरल है, इट इज नॉट कायरल, इट इज नॉट कायरल। अब मेरे को बताओ क्या ये एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं? सोच लो,
सोच हाँ, और ये जो बॉड है ये कहाँ है, प्लेन में है। ओ मतलब वेज या ये दोनों क्या प्लेन में, ये दोनों अगर वेज में और डैश में रहेगा तो सेम रहा तो चलेगा, लेकिन प्लेन में सेम हम घूम रहे तो क्या मेरे ये चीज बॉडी गायब हो जाएगा, तार गायब हो रहा है या चश्मा गायब हो रहा था, बॉडी गायब, मिस्टर इंडिया हम नहीं है, ठीक है सही रहा? मतलब इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलो बाकी सब निकालो, हमने निकाला है तुल्लू बहुत बड़ा होशियार बनता है। बी में देखो ये प्लेन में है ना, मतलब मेरा शरीर प्लेन में, अब हम घूम के जाते मेरा शरीर गायब हो रहा नहीं, मेरा आगे तार गायब हो रहा, चश्मा एक बार गायब हो रहा, तो इसमें इसमें सेम रहेगा चलेगा, लेकिन बाकी सब सेम रहेगा नहीं चलेगा, ठीक है। ए पानी है किसी के पास? चंदा भी दीवार है तेरा, सुनिए तो उपाल, अरे तुम सारा ऑर्गेनिक लेक्चर इस करने पर जब ऑर्गेनिक की बात सारा हो, हम बता इधर सबसे बेस्ट क्लासेस अभी चल किसी चला तो ऑर्गेनिक का बता देना, क्योंकि हम सबसे ज्वाइन किए हैं। देखो हम मेरा बस एक ही कहना है, हमसे जितना पूछेगा उतना बता रहे हैं, उसके बाद डबल देते रहेंगे, तो पूछते रहना, आप छोटे मोटे पूछ लेना सर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हुआ था, एडोल्फ हिटलर कैसे मर गया था, फिर बोल देगा खटाल में गाय का इलाज कैसे करें, ये सब पूछते रहे। कायरल कार्बन ही ना, तभी तो बताया देखने के लिए, सोचिए कायरल कार्बन है तभी ऑप्टिकली एक्टिव। ओए बनाओ बाकी सब बना तो रहे, सो बना दिए पर सूत्र टूट गया, ये का इसमें ले मुंह धोकर क्या होगा, मैं धो के आया हूं, सोना बंद कर तुरंत, रात को 3 घंटा सो बहुत ही ना, हम 2 बजे सोए थे रात में, सुबह 10 दिन को सोना ही नहीं है सर, आप 2 साल तक की तबियत नहीं खराब है। अरे देखो मेरा सुनो, मेरा बात सुनो, ये 2 साल कोरोना आया था याद है ना, 2 साल कोरोना में कितना आदमी लोग नॉन वेज ज्यादा खाया होता था, बीच का 9 महीना ऐसा हो गया नॉन वेज को हाथ नहीं लगाता था डर के मारे, क्या नॉन वेज नहीं खाए जिंदा नहीं रहा। हाँ। अरे आदमी को पता है हैबिट डालने पड़ता है, एग्जांपल है हकीकत एग्जांपल है, पता है उसमें पता है आदमी का जो कभी गिलोय का नाम है सुना उसको चाय बना पी रहा क्यों डर मर जाएगी, किसका किसका नाम गिलोय, गिलोय तुलसी पत्ता हल्दी, इम्यूनिटी बढ़िया रखना, बढ़िया खाना खाना, एकदम इम्यूनिटी पे ध्यान, अभी ध्यान देती अभी गरम खाना गरम, अभी डरा देगा ना कोरोना फिर से आके फिर से तुम स्लो हो जाएगा, तो पता क्या है डर से तो काम करे, डर से क्या बोल तो खैर किसको समझा रहे हैं खुद से, देखा चंदा भी दिल तो किया। अरे सर आप इतना फॉर्म में आए हैं तो मारा पीटी कीजिएगा, हम लोग पूरा एकदम बेबी नहीं है, चला थोड़ा नहीं पर करना चाहिए ना, कभी कभी करना चाहिए, अब उसके गलती में से गए बोल रहे हैं, हां ये बात सही है, जिसका गलती है उसको बोल दी, जाने का वक्त था बोला एक तो आदमी था उसको बोला का सुनना अभी हम एक तो आदमी आएगा पूछेगा ना तो बोल देना कि यहाँ फेंका हुआ था, है ना भाई, एक आदमी सेटिंग कर रहा है सुनना, देख अगर पूछेगा नहीं कहाँ था तो बोल देना कि फेंका हुआ था, इसे बोलने के लिए सर हाँ बोल दी, इसको सारे का डिटेल का तो बोल दिया तो अगला दिन तो ये हो जाएगा ना, वो जो लर्निंग वाला है ना कंप्यूटर वाला बोलने जरूरत नहीं है, वही किया बैठो रिकॉर्डिंग हो रहा है चलो ना, तेरा बहुत
बलिया दूर से मैच करो मैच करो मैच करो नीचे पेपर किसने गिरा। सुनो याद रखना एक चीज हुई, ये जो बॉन्ड है ना अबव द प्लेन कर रहा था, कैसा रहता है अबव द प्लेन, और ये कहा रहा था बिलो द प्लेन, कहा रहा था प्लेन के अंदर, ठीक है ना। अरे प्लेन के अंदर ऐसा प्लेन रहते हैं नीचे एक ऊपर, ये देखो ये कार्बन, क्या ये काइरल है? तो काइरल है मतलब इट इज काइरल, ऑप्टिकली तो ये क्या है ऑप्टिकली, क्या ये काइरल है? नहीं है, नहीं सर, है सर, है नहीं है, नहीं है बाबा, ये तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा? सोचो अल्लाह ने गोपाल यहाँ तक क्लियर है। देखो क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो क्वेश्चन लिखो, आवाज नहीं मैं तो अलग अलग बैठाएंगे तो लोग अक्षय को स्वाति सर बैठाएंगे और फिर तुम्हारे जितेंद्र को यहाँ बैठाएंगे। स्वाति भी हमसे परेशान हो जाएगी, नहीं तुम परेशान हो जाएगा और उसको हाथ क्यों देंगे, बोले बदमाशी करेंगे तो खींच लेंगे फरहान को वहां भेज देंगे तुम्हारे पास देंगे वो डंडा बम बम देते रहे खाए वाले। अरे मंदरा जी सेटिंग है मिलते हो ऐ मंदरा ऐ बताला कर रहे थे मंदरा दे दो ऐ गोपाल हल्ला नहीं ध्यान दो। ये कार्बन क्या काइरल है? नहीं नहीं अंदर आगे तो पीछे का बैठे सब सब नहीं बोल क्या ये काइरल है? नहीं इट इज नॉट काइरल, ये ग्रुप को ये ग्रुप क्या है सेम है, ये ग्रुप क्या सेम है, दो ग्रुप सेम मतलब काइरल नहीं सॉरी चार अलग अलग होने, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? सुनो और सब बोल दिया है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, आओ बता फरहान ऑप्टिकली एक्टिव क्यों? अरे हम कुछ नहीं बोले भाई, बोलो अरे तरह बोले थे नहीं हो तो फिर साइज नहीं है छोटा ही बड़ा है, क्या साइज है सबका साइज है, वो एच है मतलब वेट ये वेट डेस पे और ये एच है मतलब रिच पे, हाँ तो क्या हुआ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? एक्टिव तो है क्यों बताओ कई रात में क्यों होता सेम नहीं होना चाहिए, अच्छा ऐसा कोई रूल था चलो ये का है रागिनी का डिफरेंशिएशन हो रही रागिनी डिफरेंशिएशन जो कायरल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो कायरल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन ये काइरल नहीं है लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन सुनो क्या सुनो सुनो ध्यान दो अल्लाह ने ये वाला जो बॉन्ड है क्या प्लेन में है, किसमें सॉरी प्लेन में दिमाग में खटक खटक रहा था, और ये वाला बॉन्ड जो अबव द प्लेन है कैसे है प्लेन, और ये बिलो कैसा है बिलो बिलो, तो अभी दिखाए ना अभी दिखाएगा ना क्या दिखाए थे, ये मेरा प्लेन है ऐसे तो इमीजिनरी है
प्लेन है एयरपोर्ट है सही प्लेन है सुनो ये बोल भाई ने बोला प्लेन है तो प्लेन है प्लेन है भाई ये बॉन्ड जो हमारा वेज है और बिलो द प्लेन हमारा डेस्क है डेस्क है ठीक है डेस्क ठीक है अब क्या हुआ हम इसको मिरर के सामने ले गए तो वहां को क्या दिख रहा आगे में क्या दिख रहा वेज दिख रहा और ये मेरा प्लेन ये मेरा प्लेन दिख रहा अब पीछे वाला चश्मा दिख रहा आगे में देखो मिरर में चश्मा दिख रहा मेरा नहीं दिख रहा जब हम घूमे तो मेरा चश्मा दिख रहा मेरा नहीं दिख रहा लेकिन फिर तार नहीं दिख रहा समझ रहे मतलब क्या है ये दोनों हमारा अलग अलग बॉन्ड है क्या एक ये दिखे अलग ये मेरा सेम होने से फर्क नहीं पड़ रहा ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए अगर मान ले पीछे भी तार आगे भी तार तो आगे में तार दिख रहा घुमा के फिर भी तार दिखेगा मतलब क्या जाएगा हमारा क्या वो इनएक्टिव हो जाएगा लेकिन अभी ऑप्टिकली एक्टिव है ऑप्टिकली क्या भी है अब ये देखो गोपाल क्या ये कायरल है अंतरा क्या कायरल है समझ में इससे पहले वाला पक्का हो जाएगा सर कि आगे देखेंगे तो अच्छा सब हो जाएगा देखो ये कार्बन को देखो तो पीछे भी सीएल लगा देखो पीछे आगे मार्कर दिख रहा पीछे घूम के फिर भी मार्कर दिख रहा लो अब ऑप्टिकली एक्टिव है अलग हुआ फिर नहीं हुआ हाँ वही कहाँ अलग अलग कौन ये वाला अच्छा इसमें इसमें देखो सी ऑप्टिक के लिए एक्टिव है तो सी तो कार्य कार्बन है इसलिए ऑप्टिक के लिए एक्टिव है कहाँ देख रहे ध्यान दे रही तेरा ध्यान किधर ए यार तो क्या ये ऑप्टिक के लिए एक्टिव है क्यों हाइड्रोजन ब्रोमीन मिथाइल और इथाइल इट इज कायरल क्या ये मिस कायरल अगर कायरल है तो ऑप्टिक के लिए एक्टिव होना जरूरी है ठीक है सुना सुनिया ये बताओ क्या ये कायरल है ये भी कायरल नहीं ये भी कायरल नहीं ये भी कायरल नहीं मतलब इट इज नॉट कायरल इट इज नॉट इनएक्टिव ये कायरल भी नहीं है और इसमें अंदर बाहर बॉन्ड भी नहीं है ये क्या क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव ये देखो अब बताओ मेरे को अब बता सकता है ऑप्टिकली इनएक्टिव है नहीं ऑप्टिकली एक्टिव है ऑप्टिकली इनएक्टिव है अंतर क्या है एक्टिव है नहीं क्यों क्यों है सुना ऑप्टिक के लिए एक्टिव है नहीं कायरल नहीं है कई कायरल है सॉरी हाँ कायरल है दो कायरल है उसमें दो तो कायरल है कैसे ये और कायरल देखो इधर वही इधर एच इधर सीएस थ्री इतना बड़ा ग्रुप वही एच सीएस थ्री इतना बड़ा ग्रुप क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ इसको क्योंकि इधर भी सी एस थ्री इधर भी सी एस थ्री इधर भी एच इधर भी एच इधर एच इधर भी अब इसको आईना के सामने इसे जाकर रख देंगे आईना के सामने यही चीज मिल जाएगा ठीक है सेम मिल जाएगा ठीक है ना अगर तो हम एक पॉइंट लिखाएंगे ध्यान से देखो हम कुछ लिखाए थे महत्वपूर्ण बातें क्या लिखाए थे अगर एक कायरल कार्बन हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा अगर एक दो या दो से ज्यादा कायरल कार्बन हो तो क्या देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ना हो तो क्या देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ाने कुछ फायदा हुआ नहीं लिखाएंगे कुछ देखो
क्या देखेंगे? उसके बाद क्या बताया था? ये देखो, कहाँ कहाँ ले भी कुछ है इसको, इस तरह लिखी हो, नींद आ रहा था सोनिया, ध्यान देती थी इसे लिखी थी, कहाँ सोनिया का बॉक्स कौन बनाएगा इसको, इसको बॉक्स कौन बनाएगा, कैसे कैसे लिखती है? तो क्या ये इसके पास दो कायरल कार्बन है लेकिन बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसके पास भी दो कायरल कार्बन है? यस सर। है कि नहीं? यस सर। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, है कि नहीं? यस। है कि नहीं स्वाति? यस। नो। यस। बोलो है ना? यस सर। इज इट ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? इनएक्टिव। अंतरा एक्टिव या इनएक्टिव? बोलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा नहीं दिख रहा? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा ना, है कि नहीं? ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जा रहा है ना, स्वाति बन जा रहा ना, बन जा रहा नहीं बन रहा, यहाँ क्या है? CH3C2H5। लवर कलर कर रहा है थोड़ा ऊपर नीचे, सही है? ठीक है, ये क्या हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री के पास नहीं है, समझ में आया अंतरा? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री के पास नहीं है, ठीक है? इसको नोट बढ़िया से करो, बढ़िया से नोट बनाओ इसका, हम बता दे रहे पॉइंट निकल ही है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो। अब लिखो SN1 स्टीरियो केमिस्ट्री, कल क्वेश्चन दिए तीन को, तीन को क्वेश्चन दिए सर, जो लास्ट तीन को सवाल था ना, इसी का वही बनाया, वही बनाया, फिर भी उसमें से मेरे एक सही हो। टोटल कम से कम नहीं तो 15,000 पोस्टर जो कोई भी सबसे टॉप रैंक जिसका, यहाँ पर किसी ने इक्कत होगा? यस सर होगा, एक ने होगा ही सर, दो बाय जो होगा वही, एक बार बाय बाय कर रहा हूँ मैं, क्या बाय करने के लिए आ गया हो गया बाय, ओए सॉरी मैं इसको भी नहीं बीमार बीमारियाँ दे ये देख जाओ दे दे बीमारियों को चल जाएगा उसको मंदिर पूरा नहीं दिखा दिया गया, मंदिर पूरा नहीं, रागनी भी आ गया, गुगु आगे पीछे देख लिया, कोई बोल रहा नहीं है, नहीं रागनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सही लास्ट में पूछ लेगी सर ये कैसे हुआ? क्या बात करती कैसे दीदी नॉर्मल एसन हुआ सबको आता है, बोलो हाँ या ना, जिसको नहीं आता क्लियरली खुल के बोलो नहीं आता, थोड़ा सा रिकैप कर दे दो मिनट में, ये वाला पढ़ाई नहीं आता देखो, मान लो RX है स्मोक,
इसमें न्यूक्लियर फाइल आएगा, हल्ला नहीं करेगा। सुनो, अच्छा मैं इंजीनियर लोग कौन सी बना रहा हूँ, मिसाइल सेल बना रहा हूँ। सुनो, पाइथन कर रहा, कोडिंग कर रहा, सब मिसाइल सेल बनेगा। ऐप बना रहा है, ऐप बना रहा है, ऐप बना रहा है। सुनने बस सुनो, हाँ डिटेल जा सकते हैं, ध्यान रख। अभी तुम्हारा रिजल्ट बनेगा जो ठीक नहीं है, ध्यान रख। चलो बात करने से नहीं आएगा, बात करने से जीरो आएगा, सात को सात को हटा देंगे, डीडीएस लगा देंगे। दो केस हो सकता है इसमें, श्याम जान लो बढ़िया स्पीड है, बढ़िया स्पीड है। हाउ पहला केस अंदर आ गया, ऐसा मैं सेंटर बता रहा हूं। पहला केस में क्या होता है, ये केस वन है, ये केस टू है, ध्यान दो। वन टू मतलब ये ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी, किडनी किडनी किडनी, मेरा किडनी बदमाश, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ये क्या देख आती हो, हम जा रहे भाई, लोग मेरा मजाक उड़ा रहा है, हम मजाक नहीं करेंगे, फोन करेंगे। तो आटा छुपा रहा है पीछे से, हाँ इनडायरेक्टली क्या कर रहा,
मतलब वो पीछे से अटैक कर रहा है, इसीलिए वो पीछे किया। सुनो सुनो, ये पीछे से अटैक करे कैसे, मारे इसे लात, ये बोले भाग, ठीक है, इधर से पीछे से अटैक किया, सुनो पीछे से अटैक किया, यहां से भाग किया, तब यहां पर सुनो ऐसा कुछ दिखेगा, यहां आर है, यहां एक्स हल्ला कर रहा, दोनों आर है एक्स और यहां न्यूक्लियोफाइल है, सुनो ये प्लस रहेगा, सुनो सुनो हो क्या, सुनो ये इधर से बनता हुआ दिखेगा, ये इधर से टूटता हुआ दिखेगा, समझ में आ रहा, ये दिखेगा इधर से लात मार रहा था उसको भागते हुआ दिखेगा, ये तुमको इधर से जुड़ता हुआ अपना गद्दी पर राज करता हुआ दिखेगा, उधर सुबह निकलता हुआ दिखेगा। दो केस हो रहा, एक केस में क्या हो रहा, पहले सजाफत से निकल जा रहा, कार्बो कैटायन बन रहा है, कार्बो कैटायन बन रहा, इसमें कोई कार्बो कैटायन नहीं, कोई कार्बो कैटायन नहीं, यहां से एक तरह से बन रहा है, एक तरह से निकल रहा था, यहां जरा NUR लास्ट में, मतलब न्यूक्लियोफाइल, सुनो मेरे पास सुनो, ये जो कार्बो कैटायन बना इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, yes, जहां बना कार्बो कैटायन वहां होगा रीअरेंजमेंट, रास्ता में दिख गया कार्बो कैटायन उसको पकड़ के रीअरेंज कर देना, ठीक है, वही, तो यहां पर ये जो का जहां कार्बन कैटायन बनता है इस टाइप का रिएक्शन को बोलते हैं SN1 रिएक्शन है, क्या बोलते हैं, क्यों सुनो मेरा बात, यहां पर पहले निकल गया फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, सुनो यहां पहले निकल गया फिर न्यूक्लियोफाइल, मतलब यहां पर अकेला रिएक्टेंट खाली बचा, क्या बचा, रिएक्टेंट, इसलिए बोलते हैं वन, क्या बोलता है, वन सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसके जगह पर गया कौन, गया न्यूक्लियोफाइल, तो सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वन मतलब यूनिमोलिकुलर, ऐसे मोनो क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद रहेगा यूनिमोलिकुलर मतलब पहले निकल जा रहा है अकेले बाहर, सो सेकेंड वाला बता रहा, सो सेकेंड वाला में न्यूक्लियोफाइल का जरूरत पड़ रहा, जौनपुर वाला लोग का जरूरत पड़ रहा, मिर्जापुर के गद्दी पर कपड़ा कब्जा करने के लिए, अरे जो भी हीट नहीं मोशन, सुनो आप इधर से दोनों मिल के क्या, दोनों मिल करके, दोनों इधर देखो ना, दोनों मिल करके, सो दोनों मिल करके एक्स को भगाया, दोनों मिल करके एक्स को भगाया, मतलब बाय मॉलिक्यूलर, बाय इसको क्या बोलते हैं, SN2, मतलब इसका नाम क्या हो गया, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इतना भी ज्यादा नहीं बनना था, ऐसे में फेमस हो जाएंगे, जीतू भैया लिखा देगा खाली, ऐसे नहीं बताएगा कि याद हो जाए, ठीक है, इस तुरंत ऐसे लिखाएगा खत्म, SN1 खत्म, SN2 खत्म, अभी SN1 SN2 सिंपली खत्म कर चुके हैं लेक्चर में, तुम चाहे तो देख सकता है, लेकिन अभी जो बताएंगे ना SN1 SN2 वो बताएंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में, कितनी एक्टिविटी इनएक्टिविटी में बताएंगे, ओके सर, काला जादू बड़ा काला जादू, काला जादू ज्यादा कुछ नहीं करना, रोज जाकर के 3 बजे रात को शमशान घाट में जाकर बैठना, सुबह 6 बजे आना, जाएगी घर भी जा पाएगी, हाँ दो बार मरेगी दो बार जिंदा होगी, काला काला काला
तेरी बात तेरी बोल बोल कर सब बोलो मन नीरज से भर गया गाना तुम लोग का दिन आया, मेरा जमाना आया, मेरे पास।
अभी जो चीज सिखाने वाले ना बहुत ध्यान चाहिए, बहुत ध्यान चाहिए। ऐसे में उनमें क्या होता है, सबसे पहले ब्रोमीन बाहर, ब्रोमीन बाहर यहाँ से चुपचाप निकल जाएगा। बोलो हाँ यहाँ सर ब्रोमीन ही क्यों जाएगा? अरे क्योंकि हेलोजन है ना, हेलोजन आर द बेस्ट लिविंग ग्रुप, पता है कि नहीं? याद नहीं है। लिविंग लिविंग ग्रुप लिख रहे हैं, नहीं कौन नाम है, ऐसे पढ़ाने ही वाले हैं, लिविंग ग्रुप पढ़ाएंगे फिर डिटेल में, तो ऐसा कुछ दिखेगा। तेरी बातें भूल भुलैया ऐसा कुछ लगेगा। ये दोनों मान लो प्लेन में, ये दोनों क्या कहा प्लेन में, ये बॉन्ड प्लेन में रहता है, ठीक है ना? ये वाला क्या रहता है अंदर बाहर, मैं क्या रहता ये लिख लेना, ये दोनों अंदर बाहर, ये दोनों प्लेन में, ठीक है? चलो ऐसा कुछ दिखेगा, ध्यान दो ऐसा कुछ दिखेगा। अरे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो हाँ या ना। कार्बन के ऊपर प्लस है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन सब पता है, टोटल एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p3 4, चार दो तो 3। उसमें से भी क्या हुआ, सुनो, उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन भाग गया। बोलो है ना C+। अच्छा हाँ, C+ कार्बन में डायन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब क्या देगा 1s2 2s2 2p1, एक निकल गया। अरे प्लस मतलब क्या होता है, प्लस मतलब एक खुल लेके निकल गया, समझ में आ रहा बात? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। सुनो सर ये 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्लास 11 सिखाएंगे तुम, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रही ना, आएगा आगे आएगा क्लास में, सब मिस करेगी जाएगी। सुनो सुन, ऐसा कुछ है, पहला वाला तो फुल फील्ड है, फुल फील्ड है, दूसरी तो फुल है, यहाँ पर एक ही गो है, मतलब क्या दिख रहा है तुमको? वैकेंट पी और वाइटल नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। अरे पी वाला देखो, पी का कितना वाइटल, 3, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन, भरा कितना 1 2, तो 5 वोल्ट खाली है ना, खाली पी का जोड़ रहे हैं, नहीं खाली पी का लास्ट वाला, लास्ट वाला ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, वैकेंट पी ऑर्बिटल, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, अरे हाँ बोले तो बाबा, क्या है ये वैकेंट पी ऑर्बिटल, क्या दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सुनो, अब कहीं खाली जगह है तो वहां इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा, वहां इलेक्ट्रॉन, अरे